हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम एक मल्टी बैगर केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। 2019 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2019 में अगर आप देखोगे 600-700 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 2020 में देखोगे तो 300 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट की तरह सिर्फ ऊपर जा रहा है। मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल था, लेकिन वो जो वोलेटिलिटी थी उसका कोई भी इम्पैक्ट इसके स्टॉक पे नहीं हुआ, सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्लियरली आपको कंपनी के बिज़नेस में जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, उसके बारे में बताता है कि बिज़नेस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आप देख सकते हो 300 रुपीज़ के लेवल से इस स्टॉक ने रिसेंटली जो हाई बनाया था 3600 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक गया था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ और 3350 रुपये के आसपास अभी इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो इसका जो मार्केट कैप है 36,000 करोड़ रुपीज़ का है, और स्टॉक अभी 40 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी को आपको अपने फोकस पे क्यों रखना चाहिए, अगर आप इसके जो रीसेंट रिजल्ट्स थे Q1 के वो देखोगे, तो उसमें आप देखिए इनका जो रेवेन्यू है वो 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। एंड एबिट्टा की बात करें तो वो 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ। एबिट्टा मार्जिनस इनके जो है 34% आए अगेंस्ट 28%। सो कंपनी के जो मार्जिनस है लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्जिनस पे कंपनी काम कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखोगे तो इनका डबल हुआ है, 100% की यहाँ पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ROCE 35% आया है इनका एंड 27% ROE आया है, तो ये भी लगातार इनके जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। सो अभी क्यों आपको अपने रडार पे इस कंपनी को रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए लगातार एक्सपेंड कर रही है और जो एडिशनल कैपेसिटीज़ है उसको कमर्शलाइज़ कर रही है न्यू फ्लूरो पॉलीमर्स के लिए। तो कंपनी बेसिकली फ्लूरो पॉलीमर्स में काम करती है, जिसमें आप देखोगे तो ये मार्केट लीडर है और लिस्टेड कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो फ्लूरो पॉलीमर्स बनाती है। एंड जो इनके न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो एडिशनल कैपेसिटीज़ जो इन्होंने अनाउंस करी थी, सो दे आर प्रोग्रेसिंग एज पर स्केड्यूल। सो कंपनी के कैपेक्स प्लान जो है काफ़ी बड़े हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। FY 2022 में 660 करोड़ का कैपेक्स था। FY 2023 के लिए जो कैपेक्स है वो 1150 करोड़ का है। 2024 के लिए 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है कंपनी का। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसी वजह से कंपनी लगातार अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको इंक्रीज़ कर रही है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही लिया होगा, हम बात करें गुजरात फ्लूरो केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो एक बल्क केमिकल्स का इनका वर्टिकल है, जिसमें ये कॉस्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म, मिथाइलिन डी क्लोराइड, रेफ्रिजरेंट, CTC ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनका जो यूज़ है बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जो R22 एक प्रोडक्ट है इनका, बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट गैस है, तो इसके ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं फ्रॉम इंडिया। मेजर प्रोड्यूसर हैं ये क्लोरोफॉर्म एंड MDC के। नेक्स्ट वर्टिकल की हम बात करें तो वो है फ्लूरो पॉलीमर्स, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम देखें इनका PTFE प्रोडक्ट है, जिसका जो यूज़ है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है, ऑयल एंड गैस में है, फार्मा, फूड, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स। माइक्रो पाउडर्स की बात करें तो उसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है, PFA जिसका यूज़ सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस, केमिकल प्रोसेसिंग। PVDF है जिसका यूज़ केमिकल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, EV बैटरीज में, सोलर पैनल्स में किया जाता है। नाउ इनके बिजनेस की खास बात क्या है, सो एंट्री बैरियर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए फ्लूरो पॉलीमर्स बनाने में टेक्निकल नो हाउ चाहिए, जो कि सबके पास नहीं है। प्रोसेस सेफ्टी होना चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होना चाहिए। कैपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है, कस्टमर वैलिडेशन अप्रूवल्स एंड क्वालिफिकेशंस, सो ये सब एक टाइम कंज्यूमिंग एंड पेन्स टेकिंग प्रोसेस है। तो किसी भी न्यू प्लेयर के लिए एंटर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है 5G की वजह से, EV बैटरी, सोलर पैनल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लीन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बिजनेस वर्टिकल इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का है, तो जिसमें ये बेसिकली HF बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनका यूज़ एग्रोकेमिकल में बेसिक मेजरली इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स बनाने में किया जाता है। TFE बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनका यूज़ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स और इंटरमीडिएट्स में किया जाता है। KF बेस्ड का भी यूज़ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल में किया जाता है।
सो इस बिजनेस वर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, तो बेसिकली ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनको लगातार अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं बेस्ड ऑन कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इसमें भी एंट्री बैरियर्स की बात करें तो टेक्निकल नो हाउ चाहिए, प्रोसेस सेफ्टी है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट वैलिडेशन होना चाहिए। सो फ्लोरीन केमिस्ट्री की देखिए जहाँ तक बात है तो इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी के साथ आ रही है, क्योंकि जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है दे आर गेनिंग ट्रैक्शन ओवर द कन्वेंशनल मॉलिक्यूल ड्यू टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्रिएटिंग मोर मार्केट डिमांड। नेक्स्ट बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो वो है न्यू एज इंडस्ट्री वर्टिकल। सो इसमें इनका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वर्टिकल है जिसमें PVDF इलेक्ट्रोड बाइंडर्स बनाते हैं, बैटरी केमिकल्स LiPF6 बनाते हैं, एडिटिव्स, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशंस, बैटरी केसिंग, सोलर पैनल्स का एक इनका सेगमेंट है जिसमें ये बेसिकली PVDF फिल्म्स बनाते हैं, बैकशीट बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोलाइजर्स का इनका एक सेगमेंट है जिसमें फ्लूरोपॉलीमर्स बनाते हैं, मेम्ब्रेन चार्जिंग एक्सेसरीज। सो इसमें भी काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स है इस सेगमेंट में, जिसमें टेक्नोलॉजी है जो कि हर किसी के पास नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, बायर क्वालिफिकेशन, जेस्टेशन पीरियड, और जो ये बिजनेस कैपेक्स इंटेंसिव होता है, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन चाहिए। सो ये जो सेगमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2030 की अगर हम बात करें तो जो बैटरी की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे जो बेसिकली रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है 2030 तक अगर हम देखें तो $300 बिलियन की है। सो इनका जो न्यू एज वर्टिकल है जो सोलर पैनल्स का वर्टिकल है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने वेरी एम्बिशियस टारगेट यहाँ पे अनाउंस किया है टू अचीव 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो गुजरात फ्लोरोकेमिकल बेसिकली इंडिया का फर्स्ट PVDF सोलर फिल्म प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है विच विल बी कमीशनड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इनका जो न्यू एज वर्टिकल है हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रोलाइजर्स का, सो जो ग्रीन हाइड्रोजन है इट हैज़ द पोटेंशियल टू डी कार्बनाइज इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हीटिंग, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एमिशन रिडक्शंस। सो देर आर अराउंड 200 हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोजेक्ट्स करेंटली अनाउंस्ड इन यूरोप अलोन, with investments focused across multiple industries from transport to heavy industry, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसमें आ सकती है। सो ये जो न्यू वर्टिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को इनक्रीज़ कर रही है। सो देखिए इनका इंटीग्रेटेड प्लांट ऑपरेशन है, सो इंटीग्रेशन है यहाँ पर इनका, इसका बेनिफिट इनको मिलता है, इसी वजह से मार्जिन इनके आप देख सकते हो बेहतरीन है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, ग्लोबल प्रेजेंस है, तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं फ्लोरोपॉलीमर्स में उसमें ये कंपनी आती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी 3 फैसिलिटीज़ हैं जो कि गुजरात में हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसके शेयर को आपको एक्यूमुलेट ज़रूर करना चाहिए गिरावट पे। सो एक बार इस कंपनी के बारे में खुद की रिसर्च भी करें, देन यू कैन डिसाइड कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।